मैंगो ग्राफ्टिंग, आम के पौधों पे कलम करने की विधि। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं कि आम के एक ही पौधे पे मल्टीपल ग्राफ्टिंग यानी विभिन्न प्रकार की कलम कैसे लगा सकते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि कलम क्यों की जाती है। तो जब हम बीज से आम का पौधा उगाते हैं तब उसके ऊपर फ्रूट्स तो आते हैं, लेकिन फ्रूट्स आने में बहुत साल लग जाते हैं, तकरीबन 7 साल के आसपास, और उस पे लगे फ्रूट्स की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं होती। लेकिन अगर उसी पौधे के ऊपर अगर आम की अच्छी वैरायटी के कलम लगा दी जाए तो उसके ऊपर फ्रूट्स भी जल्दी से आएंगे, तकरीबन 3 से 4 साल में, और फ्रूट्स की क्वालिटी भी अपनी पसंद के हिसाब से मिलेगी। मतलब कि उस पौधे पे हम जिस भी आम की वैरायटी की कलम लगाएंगे तो उस पौधे पे उसी वैरायटी के आम के फल लगेंगे। ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर ग्राफ्टिंग क्यों की जाती है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको ग्राफ्टिंग की ही एक तकनीक सिखाऊंगा, जिसे बर्क ग्राफ्टिंग यानी छाल में कलम लगाने की विधि के बारे में। यह पूरी प्रोसेस प्रैक्टिकली आपके सामने होगी और आखिर में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। तो मेरा नाम है मयूर, फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, मैं आपको आम के इस पौधे के ऊपर ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको जिस भी ब्रांच के ऊपर कलम लगानी हो उस ब्रांच को इस प्रकार से सीधा काट देना है। देखिए, जहां पर आपको कलम लगानी हो वहां से ब्रांच को इस प्रकार से काट देना है। यह देखिए, देखिए इसकी तने की साइज थोड़ी मोटी है, इसलिए इसकी छाल में ग्राफ्टिंग करना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। हम इस पौधे के 4-5 ब्रांचों के ऊपर ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, इसलिए पहले तो ब्रांचों को कट कर देते हैं। तो अब कलम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सही वैरायटी की अच्छी ब्रांच यानी बर्ड स्टिक का चुनाव। गौर कीजिएगा कि इस वीडियो में मैं बर्ड स्टिक शब्द का ही प्रयोग करने वाला हूँ। तो देखिए, आपको जिस भी वैरायटी की कलम करनी हो उस वैरायटी के पेड़ से इस प्रकार से ऐसी बर्ड स्टिक निकाल लेनी है जिसका अंकुरण निकलने की तैयारी में हो। देखिए, यह ब्रांच सही रहेगी तो हम इसे काट कर निकाल लेंगे। देखिए, अब इसके ऊपर से सारे पत्तों को रिमूव कर देना है। देखिए, यह बर्ड स्टिक अब कलम के लिए तैयार है। इसे देखिए, कुछ बर्ड स्टिक जो कलम के लिए मैंने निकाली है। तो चलिए अब कलम लगाते हैं। तो हमने पौधे पे जो ब्रांच कट की थी वहां पर तेज धार कटर या ब्लेड से इस प्रकार से 2 कट लगाने हैं। देखिए, कट इस प्रकार से लगाइए कि छाल वाला हिस्सा अच्छे से कटे। यह काम सावधानी से कीजिए क्योंकि ब्लेड उंगलियों पर भी लग सकती है। अब किसी औजार के पॉइंट से हमें इसकी छाल को इस प्रकार से खोल देना है। देखिए, छाल को धीरे से इस प्रकार से खोल देना है। अब हमने जो बर्ड स्टिक निकाली थी उसे वी शेप में छिलना है। देखिए, इस प्रकार से दोनों साइड से तिरछा कट लगा के इस प्रकार से वी शेप में उसे छिलना है। देखिए इसे, अब कलम के लिए यह बर्ड स्टिक तैयार है। अब पौधे के ब्रांच पे जो हमने छाल खोली थी उसके अंदर इस बर्ड स्टिक को फिक्स करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से इसे छाल में इस प्रकार से फिक्स करना है। ज्यादा प्रेशर देकर बर्ड स्टिक को खराब ना करें। देखिए, हो गया। अब हम इसे रस्सी से कसकर बांध देंगे।
जिससे क्या होगा, पौधे का तना, बडस्टिक और निकाली गई छाल तीनों एक दूसरे के साथ आपस में मजबूती से जुड़े रहेंगे। आप रस्सी का यूज ना करके डायरेक्ट पॉलीथीन टैप से भी इसे बांध सकते हो, लेकिन पहले रस्सी से कसकर बांध देने से जॉइंट में जगह नहीं रहती और जॉइंट अच्छे से जुड़ जाता है। अब हम इसके ऊपर पॉलीथीन की पट्टी को कसकर बांध देंगे। देखिए, आप पॉलीथीन की पट्टी की जगह मार्केट में जो स्पेशली ग्राफ्टिंग टैप मिलती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी काम हो जाता है। इसे हमें जितना हो सके कसकर एयर टाइट बांधना है ताकि इसके अंदर पानी ना घुसे। इसके अंदर चिपचिपा सा कुछ पदार्थ स्रावित होता है जो कलम को जुड़ने में मदद करता है, तो इसके अंदर पानी घुसने से वो पदार्थ अच्छे से जुड़ नहीं पाता और अंदर सड़न लग जाती है जिससे हमारी कलम फेल हो जाती है। इसके लिए इसे कसकर बांधना जरूरी है। यह देखिए, हमने पॉलीथीन पट्टी को भी अच्छे से कसकर बांध दिया है। देखिए, इस प्रकार से हमें बांधना है। तो अब इस प्रोसेस को मैं आपको एक और ब्रांच के ऊपर जल्दी से करके दिखा देता हूं। यह देखिए, ब्रांच की छाल में हमें इस प्रकार से दो चीरा लगाना है, एक और यह दूसरा। बाद में बड स्टिक को इस प्रकार से वी शेप में तिरछा काटकर तैयार करना है। अब हमें छाल को हल्के हाथों से खोल देना है और इसके अंदर इस बड स्टिक को अच्छे से फिट टू फिट बिठा देना है। देखिए कुछ इस प्रकार। अब किसी रस्सी की सहायता से इस जॉइंट को हमें टाइटली बांध देना है। देखिए, इस प्रकार से जॉइंट को हमें रस्सी से टाइट बांध देना है। अब इसके ऊपर पॉलीथीन टैप को भी कसकर बांध देंगे जिससे बाहर की हवा और पानी जॉइंट के अंदर ना घुस सके। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें कलम को बांधना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक ही पौधे के ऊपर कितनी सारी कलम लगाई है। आप भी हर एक ब्रांच पे विभिन्न प्रकार की आम की किस्मों की कलम लगा सकते हो। मतलब कि आपने एक ब्रांच पे अगर केसर वैरायटी की कलम लगाई है तो उस पे केसर किस्मों के फ्रूट्स लगेंगे। दूसरी ब्रांच पे अगर आपने हाफूस लगाया है तो उस ब्रांच पे हाफूस वैरायटी के आम लगेंगे। इस प्रकार से आप एक ही पेड़ के ऊपर मल्टीपल ग्राफ्टिंग भी कर सकते हो। और देखिए, मोटी ब्रांच पे आप इस प्रकार से आगे पीछे दो कलम भी बिठा सकते हो। अब देखेंगे कि कितने दिनों में हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं कि हमने यह कलम लगाई थी
3 जुलाई को और आज है 20 जुलाई यानी हुए कुछ 17 दिन। तो देखिए दोस्तों, महज 17 दिनों में रिजल्ट हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रही। जरा देखिए इस कलम को, कितना जबरदस्त फुटाव निकला है। इसे भी देखिए, इस पे भी अंकुरण निकल रहे हैं। देखिए इस ब्रांच पे हमने 2 बड स्टिक लगाई थी। देखिए इसका अंकुरण निकल रहा है और एक की तो पत्तियां भी निकल आई है। देखिए जरा, है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। देखिए इसके ऊपर भी आपको अंकुरण साफ साफ दिख रहे होंगे। देखिए इस टैप और रस्सी को हमें अभी इतनी जल्दी नहीं निकालना है। जब यह ब्रांच अच्छे से ग्रो करने लगे तब हमें इस टैप को निकाल देना है। इसे निकालने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, वरना हवाओं के चलते जॉइंट उखड़ भी सकता है। तो अब आपके कमेंट्स आएंगे कि यह ग्राफ्टिंग कब करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि यह ग्राफ्टिंग जून जुलाई अगस्त के महीनों में यानी बरसातों में कभी भी कर सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण भी बनी रहेगी। तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बदले में मुझे आपसे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे लाइक्स और कमेंट बॉक्स को भी प्यार भरे कमेंट से भर दीजिए। तो फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय हिंद।